Selamünaleyküm. Embryon Big. I'm a graphic designer. आज मैं आपको इंसोमेट्रिक टेक्टिफाइड डिजाइन करके दिखाऊंगा और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चले आएंगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले हम ले लेंगे टेक्स्ट टूल और यहाँ इधर हम आपको बताइए लिखेंगे कैप लॉक खोल के टाइप। टाइप लिखने के बाद अब आप भी उन्हें आपको बताता हूँ हम इसको कर देना है टॉप पर। टॉप ठीक नहीं है। राइट यहाँ की तरफ हमारा ठीक है। मैंने इसको कर दिया ओके। ओके करने के बाद ऑब्जेक्ट पे जाना है। एक्सपेंड एप्लीकेशंस एप्लीक करने के बाद अब आप क्या करना है आपको बताता हूँ। ग्रे कलर बस अब आपको दबा देना है। राइट क्लिक अनग्रुप फिर आपकी तरफ से राइट क्लिक अनग्रुप अब सिलेक्ट बस। अब इसको सिलेक्ट करना है आई रबर टूल पिंक कलर। फिर पिंक कलर देने के बाद अब आप जो है आपको बताता हूँ। फिर इसको सिलेक्ट करें स्टी को फिर यहाँ की तरफ से डिश कलर और फिर इसको हमने सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे स्टी को मैंने सिलेक्ट करने के बाद इसको सिलेक्ट करा फिर यहाँ की तरफ पर्पल इसको राइट यहाँ की तरफ पर्पल और फिर देने के बाद इन दो मैंने सेलेक्ट करा थोड़ा सा आगे और इनको मैंने जैसे कि इसको 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 मैंने कॉपी कर देते हैं। जैसे कि मैंने इनको लिया और फिर इनको भी लिया और फिर जब मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा तो सिर्फ तब आके थोड़ा सा आगे थोड़ा सा आगे सिर्फ दबा के यहाँ की तरफ तो इसका हम आगे कर लेते हैं। सेलेक्ट करा मैंने बस थोड़ा सा इसको भी मैंने यहाँ की तरफ कर लिया बस। अब करने के बाद अब आपके मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा यहाँ की तरफ बस थोड़ा सा यहाँ की तरफ थोड़ा सा जूम थोड़ा सा यहाँ की तरफ कर्वेचर टूल फिर यहाँ की तब मैं इसको ले गया। ले जाने के बाद फिर भी करा बस फिर भी करने के बाद थोड़ा सा स्टम मैंने इसको कर दिया। करने के बाद अब आप क्या करना आपको बताता हूँ। इसको सिलेक्ट सेम ये डिश कलर फिर यहाँ की डिश कलर और फिर ये जो इसका हमारा ये है इसको भी सेम डिश और फिर यहाँ की तरफ से पर्पल फिर यहाँ की तरफ से भी पर्पल फिर इसको भी हमने दे दिया पर्पल कलर बस। अब करने के बाद अब आपके उन्हें आपको बताता हूँ। अब करने के बाद इनको सेलेक्ट थोड़ा सा आगे और फिर इनको सेलेक्ट थोड़ा सा भी आगे। अब करने के बाद अब आपके उन्हें आपको बताता हूँ। इसको सेलेक्ट राइट क्लिक अनग्रुप सेलेक्ट कर देना है आई रबल टूल पिंक कलर फिर इसको सेलेक्ट कर देना है आई रबल टूल फिर इसको सेलेक्ट आई रबल टूल डिश कलर बस। अपने करने के बाद अब हमें क्या करना है आपको बताता हूँ। कंट्रोल जेड बस अपने करने के बाद कंट्रोल जेड और फिर इसको हमें सेलेक्ट कर देना है बस। अपने करने के बाद आई डबल टूल डिश कलर फिर यहाँ की तरफ आई डबल टूल इसको भी सेलेक्ट आई डबल टूल बस। अब आपके करना आपको बताता हूँ। अब हमें आगे तरफ से इसको सेलेक्ट इसको सेलेक्ट और इसको सेलेक्ट करना है फिर आई डबल टूल लेना है। आई डबल टूल लेने के बाद इधर भी हमें क्या करना है डिश कलर नहीं डिश कलर देना है बस। और फिर इसको सेलेक्ट राइट क्लिक अनग्रुप फिर इसको सेलेक्ट यहाँ की तरफ डिश कलर फिर इसको मैंने क्या कर देना है आपको बताता हूँ। इसको सेलेक्ट आई डबल टूल डिश कलर फिर इसको सेलेक्ट आई डबल टूल डिश कलर फिर इसको भी मैंने सेलेक्ट करा
आई डबल टूल लिया दिस कलर, और फिर यहाँ की तरफ से सिलेक्ट आई डबल टूल, इधर से हमने दे दिया पिंक, इधर से इसको हमने दे दिया है जैसे कि येलो, और फिर इसको हमने दे देते हैं आई डबल टूल से पिंक। बस अब आप क्या करना, आपको बताता हूँ अब हमें क्या करना है, आपको बताता हूँ। अब इनको सिलेक्ट करना होगा, इनको मैंने सिलेक्ट करा, इन सबको हमने आगे करा थोड़ा 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 सा, मैंने नीचे करा बस, और फिर इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया थोड़ा सा तरफ, यहाँ की तरफ से मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ की तरफ कर दिया, इसको पहले सेलेक्ट, आगे सेलेक्ट 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 सेलेक्ट, थोड़ा सा मैंने इसको आगे करा बस, और फिर डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद सेलेक्ट करा, आप थोड़ा सा आगे कंट्रोल जेड कर दिया, कंट्रोल जेड बस, और फिर थोड़ा सा आगे अभी नहीं करना है, थोड़ा सा इधर से हमें आगे ऊपर यहाँ की तरफ कर देना है, और ऊपर थोड़ा सा बस। अब मैं इसको सेलेक्ट करा, ग्रुप करा थोड़ा सा आगे बस, थोड़ा सा आगे और बस। अब सेलेक्ट करा यहाँ की तरफ, फिर हमें क्या करना है, लेना है रेक्टेंगल, फिर रेक्टेंगल लेने के बाद थोड़ा सा इसको हमने आगे कर दिया, अब करने के बाद थोड़ा सा स्ट्रमे कर देना है, करने के बाद आई डबल टूल लेना है येलो कलर, अब फिर यहाँ की तरफ से इसको हमें इस तरफ रेड कलर अरेंज कर देना है, फिर बैक कर देना है, फिर इसको हमें कंट्रोल टू कर देना है, करने के बाद थोड़ा सा बड़ा कर देना है, फिर बड़ा करने के बाद इसको हमें यहाँ की तरफ रख देना है बस, थोड़ा सा जूम यहाँ की तरफ बस। अब ये देख अपने ये हमारा बन गया है हाउ टू इंसोमेट्रिक टेक्स्ट इफेक्ट इन अडोबी इलस्ट्रेटर। और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो जरूर पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक लिए मैं जब से आप सबको गुड बाय।